Everyone, so today we will discuss about the topic growth of entrepreneurship. So इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि entrepreneurship जो है वो कैसे ग्रो हुई है बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो हमें कैसे ग्रोथ हुई है, उसने कैसे डेवलपमेंट की, कितनी पॉपुलर वो पहले थी, अब कैसे वो वर्क कर रही है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में entrepreneurship के बारे में डिस्कस कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस के चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज मीनिंग, कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं पहले. इट एक्सप्लेन हाउ मच डिड एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि ग्रोथ क्या हुई है, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी ग्रोथ हुई है. बट एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जब एक पर्सन खुद डिसीजन लेता है अपने आइडिया को एक बिजनेस में रियलिटी में कन्वर्ट करने का, दैट इज एंटरप्रेन्योर. कि एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो आइडिया है, जो हमारे माइंड में क्रिएशन है, जब हम उसे एक्चुअल में एस्टेब्लिश करते हैं एज अ बिजनेस और हम अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो हमें न्यू आइडिया लेके आते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो आइडिया कम्प्लीटली न्यू होता है. हमारे किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कुछ नया लेके आना या फिर कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट लेके आना, दोनों एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाते हैं. और एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ क्या होती है, जो ये डिफाइन करती है कि बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कितना ग्रो किए हैं, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे परफॉर्म कर रही थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, वही आज हम डिस्कस करेंगे. सो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस. कि इंडिपेंडेंस से पहले एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कैसे डील किया जाता था, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी. बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, कि जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश आए, उससे पहले इंडिया क्या थी, एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स थी वो खुद फुलफिल कर लेती थी, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती थी, उन्हें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं थी. सो इंडिया क्या करती थी, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्क करती हो, क्राफ्ट से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट जो है, हमारे हैंडीक्राफ्ट हमेशा से हमारी रूट में रहा है, यानी कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स था वो हैंडीक्राफ्ट था या एग्रीकल्चर था. सो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी, जिसको क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो अपनी जो जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर लेती थी. बट जैसे ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए, उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, अपना एज ए सप्लायर यूज कर सकते हैं. दे एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इंडिया को कैसे ट्रीट किया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. कि वो इंडिया को चाहते थे कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, उसके लिए हम उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करें. उन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि हम एक्चुअल में क्या बिजनेस करना चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, हम हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं. इन सब चीजों को उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने अपने बेनिफिट को देखते हुए ये देखा कि उनको क्या चाहिए, उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. सो उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की और इंडिया में किस वर्क को काम करना स्टार्ट करा दिया, कि वो रॉ मटेरियल हम उनके लिए बनाए और वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को बना सके और हमें बेच सके या बाकी कंट्रीज में बेच सके. सो जब हमारे ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब हम एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी, जो एग्रीकल्चर से और हैंडीक्राफ्ट से अपना काम और अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करती थी. बट जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम से वो क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल गेन कर सकते हैं. सो हम उनके रॉ मटेरियल बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने लग गए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल वर्क थोड़ा कम हो गया, उसमें हमारा जो काम करते थे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, एज वेल एज जो हम क्राफ्ट वर्क करते थे वो भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया या डिक्लाइन हो गया, बिकॉज जो बाकी इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज थी, उनके कंपटीशन की वजह से हमारी जो थी वो क्या हो गई, लॉस में आ गई, और उसकी वजह से क्राफ्ट का वर्क भी क्या हो गया, कम हो गया. इंडियन क्राफ्ट डाइड ड्यू टू द कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स एंड कॉलोनियल रूल्स. यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो रूल बनाए या फिर वो जो मशीन मेड गुड्स लेके आते थे, जो ऑब्वियसली थोड़े बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स से, उनके कंपटीशन की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट जो बिजनेस था वो कंप्लीटली क्या हो गया, डाई ही हो गया, खत्म ही हो गया. सो मेजर पॉइंट्स क्या है प्री इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहले एंटरप्रेन्योरशिप के मेजर पॉइंट्स क्या है. अभी तक तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या शुरू हुआ, अब हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड मेजर पॉइंट क्या है. फर्स्ट इज बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स वर फ्रॉम फ्यू कम्युनिटीज. यानी कि ज्यादातर हमारे जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे वो बहुत कम कम्युनिटी से आ रहे थे. जैसे बानिया है, ऐसी कम्युनिटी ही क्या कर रही थी, हर एक कम्युनिटी आगे नहीं आ रही थी एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ वो कम्युनिटीज जिनके पास पहले से पैसे हैं वही क्या कर रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही थी, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छे रूल्स नहीं बनाए थे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, सो ज्यादा कम्युनिटीज उसके लिए नहीं आगे बढ़ रही थी। द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वॉज नॉट एज पार विद अदर कंट्रीज। अगर हम इंडिया की बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारी ग्रोथ थी या जितनी एंटरप्रेन्योरशिप हम करते थे वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले बिल्कुल भी सही नहीं थी, या बाकी कंट्रीज के मुकाबले हम बहुत पीछे थे, बहुत नीचे थे, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, सर्वाइवल में क्या कर रहे थे, हमें सफर करना पड़ रहा था, हम अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज 1850 में हमने जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, उससे पहले उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारा कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप था ही नहीं। सो हम बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस। द एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड वाज नैरो, यानी कि जो हमारा बेस था, जितना उसका स्कोप था एंटरप्रेन्योरशिप का, वो बहुत कम था। ऐसा क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्यादा रूल्स भी नहीं बना रखे थे, बहुत कम कम्युनिटीज आगे आ रही थी, हम बहुत स्लोली ग्रो कर रहे थे, तो जो हमारा बेस था वो बहुत छोटा था, बहुत कम लोग, बहुत कम पॉपुलेशन उसके अंदर वर्क कर रही थी। देन मैनेजिंग एजेंट्स, कुछ मैनेजिंग एजेंट्स भी उसके अंदर वर्क कर रहे थे, मींस हमारे, हमने देखा कि कुछ कम्युनिटीज के साथ साथ कुछ हमारे मैनेजिंग एजेंट्स थे जो इसके अंदर वर्क कर रहे थे, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारे पास आए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में हमारे साथ वर्क करने लगे, न्यू प्रोडक्ट को इनोवेट करते थे। सो बहुत कम मैनेजिंग एजेंट्स वर्क कर रहे थे, बट धीरे धीरे मैनेजिंग एजेंट्स बढ़ते थे, बट स्लोली स्लोली बिगनिंग में हम देखे तो ज्यादा मैनेजिंग एजेंट्स नहीं थे, कुछ ही हमारे फ्यू नंबर ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स वहां पे वर्क करते थे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि सिर्फ कुछ ही कम्युनिटी वर्क करती थी, बहुत हमारा बेस जो है वो नैरो है, सिर्फ वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पैसे थे, जो रिच थे, वही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे थे, और हमारी जो ग्रोथ थी वो बाकी नेशंस के मुकाबले बहुत स्लो थी। देन प्रायर टू इंडिपेंडेंस एजुकेशन वॉज नॉट अ क्राइटेरिया, कि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा क्या था कि एजुकेशन कोई नेसेसरी नहीं थी, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ऐसी कोई लिमिट नहीं थी कि आप कम से कम इतने एजुकेटेड होने चाहिए, जो अब लिमिट हमारी गवर्नमेंट ने डाल दी है। सो पहले हमारी एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से भी ग्रोथ हमारी कम थी, क्योंकि एजुकेशन आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट ऐड करती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। द ज्योग्राफिकल एंड सोशल ग्रोथ वॉज वेरी लिमिटेड, कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप थी वो ज्योग्राफिकली एंड सोशली दोनों में लिमिटेड थी, उसका स्कोप दोनों में कम था, क्योंकि ना तो बहुत, एज हमने डिस्कस किया कि वही लोग करते थे जिनके पास पहले से पैसे हैं, तो कहीं कहीं मीन्स किसी किसी रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप हो रही थी, और सोशली भी कुछ ही कम्युनिटीज या कुछ ही हमारी जो कास्ट है वो इसके लिए जा रही थी। देन रूलिंग पार्टी वॉज नॉट सो सपोर्टिव, कि जो हमारी रूलिंग पार्टीज थी, ब्रिटिशर्स थे, जो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप हो रही थी उसके लिए वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, कोई रूल्स नहीं बना रहे थे, कोई पॉलिसीज नहीं बना रहे थे, जो हमारी डिस्करेज कर रहे थे, जो भी लोग हमारे एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते थे उनको, उनके लिए कोई एनकरेजमेंट नहीं था। नाउ कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ, कि ये हमने देखा, जितने पॉइंट्स हमने मेजर डिस्कस किए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उससे हमें पता चलता है कि हम बहुत स्लोली ग्रो कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके पीछे हमारे मेन कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट इज ब्रिटिश रूल, कि उस टाइम हमें कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे, वो अपने हमारे ऊपर हुक्म चलाते थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो कहा वो हमें करना पड़ता था, वैसी इंडस्ट्रीज हमें चलानी पड़ती थी, वो हमारे लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है स्लो ग्रोथ के लिए। लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी कम थी, यानी कि ज्यादातर लोग फैमिली सिस्टम क्या था उनका, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, वो अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनमें अर्नर्स बहुत कम थे, जिनकी अर्निंग थी वो एक या दो ही पर्सन थे, सो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मोबिलिटी बहुत कम थी, एक प्लेस से दूसरी जगह वो नहीं जाते थे, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप अगर स्टार्ट करनी है तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस तो हमारा ब्लड होता है बिजनेस के लिए, सो हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज होने की वजह से भी स्लो ग्रोथ थी। अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, की अब जो हमारा कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज का मार्केट है, शेयर डिबेंचर्स का जो मार्केट है वो बहुत ग्रो कर चुका है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, सेबी आ गया है, लेकिन पहले ये सब नहीं था, उसमें रेगुलेशन नहीं थे, वो अंडर डेवलप्ड था, पुअर था, जिसकी वजह से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी।
एग्रेरियन सिस्टम यानी कि हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। हमने देख बोला कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, जमींदार सिस्टम शुरू कर दिया कि हम बाकियों के लिए वर्क करेंगे, जिनकी जमीन है उनके लिए वर्क करेंगे, जिसकी वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ कम हो गई। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं था, वो इतना डेवलप्ड नहीं था। हमारे पास जो रोड की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इतनी बेटर नहीं थी। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लेबर की तो रिक्वायरमेंट होगी ही, और स्किल लेबर कम होने की वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ जो है वो स्लो थी। डिक्लाइन इन इंडियन क्राफ्ट, हमने बोला है कि इंडियन क्राफ्ट क्या हो गई थी, हमारी कम हो गई थी। क्राफ्ट भी क्या है, कुछ नया बनाना भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें एज अ सप्लायर यूज किया रॉ मटेरियल का, हमारी इंडियन क्राफ्ट कम हो गई थी। उन्होंने अपने जो मशीन मेड गुड है उनसे हमें कंपटीशन में आ गए, और उसकी वजह से हमारी इंडियन क्राफ्ट ऑलमोस्ट डाई ही हो गई थी। कस्टम बैरियर की कुछ हमारे ऐसे रेगुलेशंस लगा दिए गए थे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि वो जो बैरियर थे उसकी वजह से हमारे पर्संस जो थे, पीपल जो थे, वो क्या थे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं जाते थे। लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एंड लो प्रेस्टीज टू बिजनेसमैन कि बिजनेसमैन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, और जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो भी कम थी उस टाइम पे, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ जो है वो कम हो रही थी। नाउ ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कितनी ग्रोथ हुई है वो अब हम देखते हैं कि जब हमारी इंडिपेंडेंस 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमें पता चला, हमारी गवर्नमेंट ने ये देखा कि इंडस्ट्रीज का होना एक नेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ हुई, वो बढ़ने लग गई। After independence, the base of entrepreneurship has widened due to the various measures and policies. कि हमारा जो base था, जो narrow था, अब वो बढ़ने लग गया था क्योंकि government ने policies लेके आई, measures लेके आई, incentives लेके आई, जो हमारी government of India है। As a industrialization introduced, it helped other group to introduce entrepreneurship. कि जो बाकी group थी, बाकी communities थी, Sikh community है और बाकी जितनी भी communities हैं, उन्होंने क्या किया, enter करना start कर दिया entrepreneurship में, और ये सारे काम करने start कर दिए। सो हमारी बाकी कम्युनिटीज ने भी क्या, एनकरेजमेंट आ गया था। इन एडिशन टू इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन एट नेशनल एंड रीजनल लेवल कि हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रीजनल लेवल पे थे, जैसे नॉर्थ साउथ में बना दिए, ईस्ट वेस्ट में बना दिए, या फिर नेशनल लेवल पे एक बना दिया, जो हमें क्या करते थे, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जिनके पास फाइनेंस नहीं है बट आइडिया है उनके फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये प्रोवाइड किए गए, ये एस्टेब्लिश किए गए, जिससे एनकरेजमेंट और बढ़ गया। After independence, specially after the education criteria was introduced, कि हमारा independence के बाद हमने एक education criteria introduce किया government ने कि minimum आप इतने educated होने चाहिए, जिसकी वजह से education को भी importance मिली, जो हमारी economic development में, क्योंकि literacy बहुत required है, अगर आप अच्छी entrepreneurship करना चाहते हो तो आप educated होने जरूरी हो, ताकि आपको actual में बाकी जो contract आप कर रहे हो, agreement आप कर रहे हो, उनका meaning आपको समझ में आए। The growth of entrepreneurship dispersed to socially as well as geographically, जियोग्राफिकली एज वेल एज सोशली जो है हमारी वाइडन होने लग गई, बढ़ने लग गई, ग्रोथ इंक्रीज होने लग गई। जो हमारी ग्रोथ हुई हो रही है वो तो है, बट स्टिल हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है। आज भी अगर हम देखें तो जो लोग ज्यादा रिच हैं वही ज्यादा अडॉप्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर। पॉलिटिकल फोर्सेज प्लेड अ क्रूशियल रोल कि पॉलिटिकल जो फोर्सेज है, गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रोथ के अंदर। जो रूलिंग पार्टी है हमारी पार्टी, वो जो मीन्स हमारी गवर्नमेंट है, वो सपोर्टिव हो गई, उन्होंने पॉलिसीज बनाए, इंसेंटिव बनाए, टैक्स कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एनकरेज किया गया। इट इज वेरियस मेजर्स, मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्टिल कम फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज कि इतने मेजर्स के बाद भी हम इसी प्रॉब्लम पे फेस कर रहे हैं, उसी पे स्टक हैं कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स हमारे वेल्दी फैमिलीज से ही आते हैं, रिच बैकग्राउंड से ही आते हैं। After 2020, when Government of India introduced आत्मनिर्भर भारत, अब उसे और इम्प्रूव करने के लिए Government of India ने 2020 में क्या इंट्रोड्यूस किया, आत्मनिर्भर भारत, which means सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि हम खुद पे ही डिपेंड करेंगे, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, खुद हम अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उन्हें खुद सेल्फ सफिशियंट कंट्री हम बन जाएंगे।
उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट ज्यादा होने लगी, क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें खुद इस्टेब्लिश करनी थी, एंटरप्रेन्योर्स ने उसमें एनकरेजमेंट किया और उसमें इनिशिएट दिखाना स्टार्ट कर दिया। और इसके 5 पिलर्स क्या हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड आत्मनिर्भर भारत के। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ग्रोथ, कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने जा रहा है उसकी पर्सनालिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जिसके अंदर डिसीजिवनेस होती है, जिसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग होती है, जो पैशनेट होता है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ चेंज लेके आना चाहता है वर्ल्ड में। सो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ वो कुछ करना चाहता है। अगर कोई लेजी है जो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन सेकंड इज फैमिली बैकग्राउंड, कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। एज आई सेड कि अभी जो हमारे अगर हम देखें सो मेजर जो पोर्शन है वो वेल्दी फैमिलीज से आ रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका फैमिली बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे भी केसेस हैं कि जो लोगों के फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे वो एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत नाम कमा चुके हैं। बट मोस्ट जो हम एवरेज बेस पे देखें सो हमारा फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारा एजुकेशन भी मैटर करता है। देन सेकंड इज पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा और बड़ा इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। जितना ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, क्योंकि जो रेगुलेशंस है, जो फॉर्मेलिटीज है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो आपको वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सो वो फॉर्मेलिटीज आप टाइमली, इवन बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो इफ यू हैव एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर फेवरेबल टुवर्ड्स योर बिजनेस। इकोनॉमिक फैक्टर मैटर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है और हमारी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारे पास फंड की अवेबिलिटी कितनी है, कितना क्रेडिट हम ले सकते हैं, और बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, हम बूम पे हैं, रिसेशन पे हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, कि जो हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर हैं, कि हमारा कल्चर कैसा है, सब कल्चर कैसा है, हमारी थिंकिंग क्या है, एथिक्स क्या है, हमारे परसेप्शन पे भी तो बेस्ड करता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं या नहीं। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ के ऊपर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।